दोस्तों आज हमारे पास आया है सैमसंग का 32 इंच एलईडी टीवी, जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका का मॉडल नंबर है UA32J5100AR, इसका मॉडल नंबर है। अगर आपको इस टीवी का सॉफ्टवेयर चाहिए तो हमारे वेबसाइट में जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इस टीवी का सॉफ्टवेयर। तो अब बात करते हैं कि इस टीवी के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है। अभी जो रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है मेरा ये टीवी है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि इस टीवी के अंदर आपको क्या ऐसा चेंजेस करना होगा, क्या ऐसा करना होगा जिसके बाद हमारा जो टीवी है वो ठीक होगा। अभी हमने इसके अंदर जो एसी लाइन है वो कनेक्शन कर दिया हूँ, और आप इसके डिस्प्ले पर आप देखिए, इसका डिस्प्ले के अंदर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। जैसे कि देख सकते हो हमारे डिस्प्ले के अंदर जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, एक साइड आप देखिए इस तरीके से हो रहा है और दूसरी साइड हमें व्हाइट दिख रहा है, और कुछ मैसेजेस भी आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि कनेक्शन एंड चेक से, माने इसका मतलब इसके अंदर जो केबल्स लगा हुआ है वो सारे केबल्स को चेक करने के लिए बोल रहा है। तो इस टीवी को खोल के आपको दिखाता हूँ कि इस टीवी के अंदर फॉल्ट हमें क्या देखने को मिलता है। बेसिकली इस तरीके का जो प्रॉब्लम हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है वो जो केबल्स होता है LVDS केबल, और उसके रिलेटेड जितने भी हमें केबल्स इस टीवी के अंदर लगा होता है वही ज़्यादातर ख़राब हमें देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब इस टीवी को मैं खोलता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर कौन सा केबल ख़राब हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। तो गाइस जैसे कि इस टीवी को खोलने के बाद जब इसके अंदर सारे कुछ चेक किया तो यहाँ पे देख सकते हो दो केबल लगा हुआ है जो कि TCON2 स्क्रीन को कनेक्शन किया हुआ है आपस में, क्योंकि इस पैनल का दो अलग अलग हिस्सा है, यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो आधा आधा करके भाग किया हुआ है, तो दोनों के लिए अलग अलग रिबन केबल दिया गया है जो कि TCON से पैनल को कनेक्शन करता है। तो इसके अंदर जो ये वाला केबल है जिस साइड हमें पूरा व्हाइट दिखा रहा था पैनल के अंदर, ये इसका जो हालत है बहुत ही बिगड़ चुका है, जिसको आप देख सकते हो इसका हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही नाजुक हो चुका है, और इसका एक एक पिन को आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इसीलिए हमारे एक साइड के पैनल में वो पिक्चर नहीं आ रहा था, उसके साथ साथ हमें इस टीवी के अंदर जो सिग्नल दिखा रहा था वहाँ पर भी लिखा आ रहा था कि आपके जो केबल है वो एक बार चेक कीजिए। तो जब हमने सारे पैनल को चेक किया तो हमें इस तरीके का जो फॉल्ट है यानी कि पैनल का ये जो हालात है ये हमें मिला है। तो अब हमें क्या करना है, इस जगह पे एक नया वाला आपको जो रिबन केबल है 7 नंबर का जो कि 96 पिन का ये होता है तो आपको लगाना होगा। तो ये होता है गाइस 96 का, और आपको कैसे पता चलेगा कि कितना पिन का ये केबल है, तो पीछे साइड लिखा रहता है, शायद यहाँ से मिट चुका है, लेकिन ये 96 पिन का ये हमारा केबल है। तो मैं आपको एक नया वाला केबल दिखा देता हूँ जहाँ पे आपको नंबर अच्छे से दिखाई देगा। ये हमारा पुराना वाला केबल है और ये हमारा नया वाला केबल है, यहाँ पे भी देख सकते हो BN96, इसका मतलब है कि ये जो केबल है रिबन केबल इसके अंदर 96 पिन है। तो इसको हम अब लगा के देखेंगे कि हमारे यहाँ टीवी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो फिक्स होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो, अगर इसमें से हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, हम इसको डिलीवर कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो हम अगले जो प्रोसेस है उसको हम फॉलो करेंगे। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो कि हमने इस रिबन केबल को सही सलामत बहुत ही ध्यानपूर्वक लगा चुका हूँ, और आप बढ़ जाते इस टीवी को टेस्टिंग करना कि हमारे इस टीवी के अंदर जो भी प्रॉब्लम दिख रहा था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो चलिए एक बार एसी कॉर्ड लगा के इसको चेक कर लेता हूँ इस टीवी को लगाने से पहले। तो गाइस हम अब इसके अंदर एसी
जो लाइन है वो लगा चुका हूँ और आप देखते हैं कि इसके अंदर जो पिक्चर है वो आता है कि नहीं। हमारा जो टीवी है वो ऑन हो चुका है और आप देख सकते हो हमारा जो टीवी है वो ठीक हो चुका है, यहाँ पे देखिए। और जो हमारे जो जो नो सिग्नल का दिखा रहा था वो भी ठीक हो चुका है। नो सिग्नल का मतलब अभी यहाँ पे हम सिग्नल नहीं दिया हूँ, जो वीडियो सिग्नल होता है इसलिए ये सिग्नल हमें दिखा रहा है, आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ लिखा हुआ है उसमें हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो देख सकते हो गाइस कितना आसानी से हमारा जो टीवी है वो ठीक हो चुका है। तो अब एक सेफ्टी की बारे में आपको बात करूँगा कि अगर आपके घर का जो टीवी है अगर इस तरीके से हो गया है तो आप अपने घर पे ठीक मत कीजिएगा, गाड़ी से भी काम बिगड़ सकता है और आपके टीवी के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जब भी आप अपने घर पे काम करोगे तो अपने ऊपर ही रिस्क रहेगा। तो अगर आपके घर का टीवी का कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने नज़दीकी जो अच्छे टेक्नीशियन है उसके पास से आप दिखाइए। नहीं तो अगर आप खुद ट्राई करने जाओगे इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो जो काम था वो और भी बिगड़ सकता है, क्योंकि इस टीवी के अंदर जितने भी चीज़ें होता है वो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होता है और सारे के सारे जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स लगा होता है वो सभी SMD पैकेज में होता है। इसलिए अगर आपके पास अच्छे खासा नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स और रिपेयरिंग का तो आप कभी भी घर पर ट्राई मत कीजिएगा। नहीं तो आपका जो रिपेयरिंग का कॉस्ट जहाँ पर आपको 1000 रुपया लगेगा वहाँ पर आपको 2000-3000 भी लग सकता है। तो गाइस अब मैं इसके अंदर वीडियो सिग्नल दे के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो पिक्चर है वो हमें सही से दिख रहा है या नहीं। सो फाइनली गाइस देख सकते हो कि हमारे टीवी के अंदर जो पिक्चर है वो सही सलामत दिखाई दे रहा है और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको आपके सामने मैं खोल के रखा हूँ और टीवी जो है बिल्कुल सही सलामत काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। जैसे कि नया जब टीवी लिया था उस प्रकार का जो छवि है वो आ रहा है। तो चलिए आपको इसे जो वीडियो है इसको प्ले करके आपको दिखा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस यूनिवर्सल मदरबोर्ड के बारे में 10 ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जो कि आप सभी लोगों के पास होना चाहिए, चाहे अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन हो या नहीं हो, फिर भी आपके पास यूनिवर्सल मदरबोर्ड के बारे में 10 जो पॉइंट। तो दोस्तों देखा कि किस तरीके से एक पैनल का जो प्रॉब्लम था अब शायद आप लोगों को लग रहा था पहले, लेकिन जब इसके अंदर से खोल के देखा तो इसका जो रिबन केबल था जो कि टीकॉन से डिस्प्ले के साथ कनेक्शन किया हुआ था वो ख़राब था, उसको बदलने के बाद ही हमारा टीवी है वो ठीक हो चुका है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि अगर आपका खुद का टीवी है तो अगर आप खुद रिपेयरिंग करने जाओगे तो जो रिस्क है वो आपके ऊपर रहेगा, आपका टीवी जो है पूरा डेड भी हो सकता है। इसलिए आप ध्यान से जो भी काम करोगे वो ध्यान से ही करिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सारे टेक्नीशियन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए।